हेलो एवरीबडी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड आई एम द पिकअप फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एसिसी एप्सल्यूटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICSE क्लास सेवन फिजिक्स का लास्ट चैप्टर एंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ कुछ तो हम क्लास सिक्स में भी पढ़ चुके हैं तो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और अब इस मैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट मैग्नेट्स तो मैग्नेट्स की डिस्कवरी के पीछे एक स्टोरी है जो हम क्लास सिक्स में भी पढ़ चुके हैं तो एक शेपर्ड था वो एक दिन घूमने गया अपनी शीप और गोट्स को लेके तो वो एक रॉक के अराउंड घूम रहा था तो अचानक से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके पास एक स्टिक थी और उस स्टिक में नीचे की तरफ एक आयरन लगा हुआ है आयरन का छोटा सा पीस लगा था तो वो स्टिक जो थी वो कॉन्टिन्यूसली उस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी ठीक है तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों फिर उन्होंने थोड़ी चीज़ें और ऑब्जर्व की कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आयरन आर्टिकल्स ही उस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है तो वहीं से डिस्कवर हुए मैग्नेट्स क्योंकि ये बोला जाता है कि 5000 थाउजेंट तो ईयर्स अब ये जो डिस्कवरी थी ये हुई थी मैग्नीजिया नाम की एक जगह पर जो कि ग्रीस में है तो इसीलिए उसको आ, इस इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया मैग्नेट्स तो मैग्नेट्स को इनिशियली जो नाम दिया गया था दैट वाज लोड स्टोन एंड दीज लोड स्टोन वर केपेबल ऑफ गाइडिंग विद द डायरेक्शंस ठीक है तो इनमें बोला जाता है कि एक ओर होता है विच इज मैग्नेटाइट एंड द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मैग्नीशिया राइट right? अब क्योंकि ये जो मैग्नेट्स हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं एक वो जो कि नेचुरली ओर से हमें मिलते हैं दैट इज द ओर ऑफ मैग्नेटाइट और द दोड स्टोन नेचर में मिलता है तो उसे नेचुरल मैग्नेट बुलाते हैं तो ऐसे मैग्नेट्स जो कि हमें नेचर में मिलते हैं राइट right? तो उन्हें हम नेचुरल मैग्नेट्स बुलाते हैं तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं दे आर इेगुलर इन शेप इनकी कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होती है और ये मैग्नेट्स काफी वीक होते हैं और साथ ही साथ ये मैग्नेट्स जो होते हैं दे आर नॉट इन यूज ठीक है इनका कोई ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ये काफी वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ठीक है दूसरा दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कुछ ऐसे मैग्नेट्स जो हमने बनाए हैं राइट सो दे आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इनकी कुछ स्पेसिफिक शेप्स होती हैं राइट और ये कैसे होते हैं ये काफी स्ट्रोंग मैग्नेट्स होते हैं तो एंड लास्टली बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रोंग मैग्नेट्स सो दे आर used widely across various things. तो so, जैसे कि examples, applications हमने class, last class में ही पढ़ी थी कि मान लो एक कचरे का ढेर है उसमें हर तरह का वेस्ट है राइट right? उसमें प्लास्टिक भी है पत्थर भी है आयरन भी है से वेजिटेबल uh, vegetable वेस्ट भी है उसमें से ना हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन आर्टिकल्स निकालने हैं तो अगर हम मैनुअली निकालने लगेंगे तो काफी टाइम लगेगा तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा मैग्नेट का पीस उस कचरे के ढेर के पास घुमाया जाता है एंड ऑल द आयरन आर्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट मैग्नेट और इस तरह हम एक हीप से हम आराम से आयरन का पार्टिक आयरन आयरन ऑब्जेक्ट्स को uh, निकाल लेते हैं राइट right? अब उसके बाद यहां पर आती हैं दो यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स तो पहली इज एट्रैक्टिव मैग्नेट है तो मैं बता रही थी ना आर्टिफिशियल मैगनेट जो हम बनाते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक शेप्स होती हैं जैसे ये मैग्नेट है ये एक बार की शेप में है इसीलिए हम इसे एक बार मैग्नेट बुलाते हैं तो ये जो मैग्नेट होता है ना ये क्या करता है ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है तो मान लो मेरे पास आ, पिन्स है, राइट? तो ये आयरन पिन क्या है ये ये हेयर हेयर है मेरे पास, तो ये पिन्स जो मैग्नेट सो एज सुन एज आई ब्रिंग दिस मैग्नेट नियर टू दीज आयरन पार्टिकल दीज विल गेट अट्रैक्टेड ठीक है iron, right? so as as they, uh, तो ये दूर ही हैं और दूर से ही ये एकदम एक इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है ठीक है अब अगर आप थ्रू आउट इस मैग्नेट को देखो ना तो जब मैं इसको यहाँ पर ला रही हूं ये एकदम से अट्रैक्ट हो जा रहा है राएट? लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर ला रही हूँ तो इस केस में ना जो मैग्नेटिज्म है जो इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो हैं काफी स्ट्रांग मतलब हैं लेकिन मैं ये नहीं बोलूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में यहाँ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो काफी वीक है तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं ना दीज हैव क्वाइट दे आर वेरी मतलब वहां पर अट्रैक्शन जो होती है आयरन पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होती है तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस मैग्नेट में साइड्स पर हैं वो इसमें बीच में नहीं होंगी तो अगर मैं इसको यहां पर लगाने की कोशिश करूं ना बीच में सेंटर में तो एक तरह से मुझे लगेगा जैसे कि ये मैग्नेट है ही नहीं लेकिन एज सुन एज आई ब्रिंग इट टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मैग्नेट तो यहां पर मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखने लग जाएंगी ठीक है वो अट्रैक्शन जो है एक, एक, एक इनविजिबल जो फोर्स है ना वो मुझे यहाँ पर फील होने लग जाएगी तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे नहीं लग रहा ठीक है अब मैं जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूँ जब मैं यहाँ पहुँची तो आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत ही ईजीली ये हेयर पिन इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ठीक है तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर मोर टुवर्ड्स द पोल्स और द द द एंड्स रादर देन सेंटर ऑफ मैग्नेट सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स इज मैक्सिमम एट पोल्स तो अगर आप इनको देखोगे ना तो ये जो मैगनेट्स uh, होते हैं ना इनके दो पोल्स होते हैं मान लो कि मैंने मेरे पास ये मैग्नेट है ठीक है अब इस मैग्नेट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो पोल्स हैं एक आपको रेड से दिखाया गया है और एक आपको ब्लू से तो मोस्टली जो रेड से दिखाया जाता है दैट इज द नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है राइट सो रेड इज जनरली यूज फॉर द नॉर्थ पोल राइट अब दूसरी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तो अगर आप यही बार मैग्नेट को लो ठीक है एक ऐसा ही एक पूरा स्टैंड लो वुडन स्टैंड लो और एक सिल्क थ्रेड से ना अब इस मैग्नेट को टाई करके इस तरह कुछ इस रॉड के साथ टाई कर दो अब क्या होगा थोड़ी देर तो ये मैग्नेट जो है ये घूमता रहेगा ठीक है स्टेबल नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ये स्टेबल हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि ये एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मान लो कि ये ऐसे ही पॉइंट कर रहा है अब क्या करना है अब बोलोगे कि वो तो ऐसे भी हो सकता है है ना तो अब क्या करेंगे अगेन इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे एंड नाउ वी विल सी कि फिर से ये मोशन में आएगा एंड फाइनली व्हेन इट विल रेस्ट इट विल रेस्ट ओनली टुवर्ड्स दैट इट विल रेस्ट ओनली इन दैट डायरेक्शन जिसमें वो पहले रेस्ट किया था उसी में रेस्ट करेगा वाई बिकॉज मैग्नेट्स दे ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन राइट तो ये हमें डायरेक्शन बताने में बहुत हेल्प करता है तो वो पोल ऑफ द मैगनेट विच इज टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग पोल होता है सो दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द वन दैट इज साउथ सीकिंग पोल इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ठीक है सिंपल है ये तो वही रिविजन था जो हमने ऑलरेडी क्लास सिक्स में किया है अब हम इसमें एड ऑन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट नाउ कमिंग ऑन टू द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो ये भी हमने ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में पढ़ा है तो वी नो दैट लाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर तो अब जैसे ना ये मैग्नेट्स हैं ठीक है तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो यहाँ पर एन लिखा है और इस मैग्नेट में दूसरी तरफ एस लिखा है सो दिस वन वन इज इज द द नॉर्थ पोल पोल एंड दिस साउथ और ऐसा ही इस मैग्नेट भी है सो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज द साउथ पोल ठीक है अब अगर मैं एक नॉर्थ पोल को देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां नॉर्थ है और इसमें यहां साउथ है तो अगर मैं इस नॉर्थ को और इसके साउथ को पास में लेके आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये एकदम से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ठीक है तो ये अभी यही थे मैंने इसको जैसे ही छोड़ा वो नीचे गिरने के सिवा की जगह यहाँ पर आके अट्रैक्ट हो गया ठीक है अब वहीं पर मैं किसी एक का फेस बदल देती हूं अब मैं क्या करती हूं कि यहां भी नॉर्थ पोल है और यहां भी नॉर्थ पोल है तो क्या होगा जब मैं इनको पास लेके आने की कोशिश कर रही हूं तो आप देख रहे हो मुझे ना एफर्ट डालना पड़ रहा है कि ये दोनों पास आए लेकिन फिर भी ये दोनों पास नहीं आ रहे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो so ये तो सिंपल मैग्नेट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं आप ये ये लेकर आप घर में भी देख सकते हो तो नाउ आई एम ट्राइंग टू पुट देम टुगेदर लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं रहा है राइट व्हाई बिकॉज व्हेनेवर देयर इज नॉर्थ एंड साउथ पोल या फिर साउथ एंड नॉर्थ पोल तो दीस आर द अनलाइक पोल्स एंड दीस अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज व्हेन नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड साउथ पोल आर पॉइंटेड टुवर्ड्स ईच अदर दीस पोल्स आर द लाइक पोल्स एक जैसे पोल्स एंड दे रिपेल ईच अदर ठीक है तो अब अगर आप यहां पर देखो ना तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ और दोनों ही केस में साउथ और साउथ पोल अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं वो एक दूसरे को एक इनविजिबल फोर्स से धक्का दे रहे हैं दूर जाने के लिए रिपेल कर रहे हैं ठीक है तो वैसे ही सेम ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था कि हम एक वुडन वही वुडन स्टैंड लेते हैं जिसमें एक रॉड है और एक तरफ हम एक मैग्नेट लगा देते हैं साउथ so पोल अब हम एक और मैग्नेट लेकर आएंगे दैट इज दिस मैग्नेट ठीक है तो जैसे ही आप नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल को लेकर आओगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो फिक्स्ड मैग्नेट है ना ये इससे दूर जाएगा मतलब ये जहां पर रेस्ट कर रहा है ना ये उससे दूर जाएगा ठीक है वहीं पर अगर आप इसकी तरफ साउथ पोल लेकर आते हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ठीक है ये कुछ डिस्टेंस पे ही होंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ द नेक्स्ट इज रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट फॉर अ मैग्नेट कि अब मेरे पास ना दो चीजें हैं अब देखो मैंने क्या किया था मैंने एक बार मैग्नेट लिया था राइट तो मेरे पास क्या था मेरे पास था ये एक बार मैग्नेट ठीक है और ये क्या था मैंने आपको बोला कि ये एक मैग्नेट है और ये क्या है ये एक आयरन हेयर पिन है राइट अब जब मैं इस पिन को ना यहां पर लेकर आ रही हूँ तो ये अट्रैक्ट हो जा रही है ठीक है मैं इसको यहां पर लेकर आ रही हूँ तो अब ये तो समझ आ गया कि इसमें से एक मैग्नेट है लेकिन अब मान लो कि मेरे पास दोनों ही मैग्नेट्स हैं ठीक है सो आई विल टेक दिस ठीक है अब अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेट्स तो ये हैं, ठीक है तो ये मतलब मैग्नेट है दोनों नहीं इसका मतलब है कि इनमें से एक मैग्नेट है अब अगर मैं इसका फेस चेंज कर देती हूं तो मैं नॉर्थ पोल की तरफ अब ये लेकर आ जाती हूं नॉर्थ पोल ठीक है नाउ दीज टू मैग्नेट्स दे अब ये क्योंकि दोनों ही मैग्नेट हैं तो ये दोनों पोल्स जो हैं लाइक पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसीलिए बोला जाता है कि रिपल्शन इज द श्योर्टेस्ट अब अगर मैं एक आयरन नेल लेकर आऊं इसको तो मैं कहीं भी लगा दूं ये तो अट्रैक्ट ही करेगा हमने पढ़ा है ना कैसे कि जब भी हम एक मैग्नेट है और एक हेयर पिन है जब मैं इन दोनों को पास लेकर आ रही हूं तो हम देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट हो जा रही है और साउथ पोल से भी तो होता क्या है कि जब हम एक मैग्नेट को एक आयरन आर्टिकल के पास लेकर आते हैं तो जो पोल हम मैग्नेट का आयरन के पास लेकर आते हैं तो अगर मान लो ये साउथ पोल आया है तो ऑटोमेटिकली ये जो पिन है इसकी ये वाली साइड एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगी अगर मैं नॉर्थ पोल को सामने लाई हूं तो ये वाली जो साइड है पिन की वो साउथ पोल एक्ट करेगी राइट लेकिन जब भी हमारे पास दो मैग्नेट्स होंगे तो वो मैग्नेट्स अगर, अगर अनलाइक पोल्स आते हैं तो ही वो अट्रैक्ट करेंगे लेकिन अगर लाइक like पोल्स आ जाते हैं तो वो रिपेल्ड करना शुरू कर देंगे सो दैट इज वाई इट इज सेट दैट कि अगर हमें ये टेस्ट करना है कि जो दो चीजें हमारे पास हैं वो दोनों ही मैग्नेट्स हैं सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ठीक है सिंपल है बात समझ आ गई ओके okay. तो चलो आगे बढ़ते हैं पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या है सो मैग्नेट विल अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एज वेल एज इट विल अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट ठीक है तो एक मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अट्रैक्ट करेगा और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगा व्हेन अनलाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स फेस ईच अदर ठीक है जब अनलाइक पोल्स हैं जैसे ही लाइक like पोल्स आएंगे वैसे ही रिपल्शन शुरू हो जाएगी नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ये पढ़ा था कि एक मैग्नेट जो होता है ना उसके आस पास एक फील्ड एक होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं मतलब कि अगर मेरे पास एक एक मैग्नेट है ठीक है अब इस मैग्नेट के पास जैसे ही मैं कोई चीज लेकर आऊंगी ना तो अगर मैंने दूर रखी ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा जैसे जैसे ये ये पास आता जाएगा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके आसपास ना एक ऐसा एरिया है एक ऐसी एक फील्ड है जिस जो कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहलाई जाती है ठीक है जहां पर इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे ही कोई भी आ, आर्टिकल इस मैग्नेट के उस एरिया में आएगा वो ऑटोमेटिकली इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इज दैट क्लियर बात समझ आई ओके सो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ये तो हमने पढ़ा ही था तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो अगर आपके पास एक मैग्नेटिक कॉम्पस है वो मैग्नेटिक कॉम्पस लो उसको टेबल पे रखो ठीक है उस उस मैग्नेटिक कॉम्पस के पास ना ऐसे ही कुछ एक बार मैग्नेट लाओ और उसको रख दो अब क्या होगा अब हम देखेंगे कि ओरिजिनली जो मैग्नेटिक कंपस है उसकी नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है लेकिन जैसे ही आप उस उस बार मैग्नेट को उस पर्टिकुलर कंपस के अराउंड लाकर रखोगे तो वो क्या करना शुरू हो जाएगा वो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगी किसी और ही डायरेक्शन में रेस्ट करेगी वो डिपेंड करेगा कि, नी, कि आपने बार मैग्नेट कहाँ रखा है अब अगर आप इस मैग्नेट को फिर से घुमाओ और किसी और जगह पर लाकर रख दो उसी कंपस के आसपास तो आप देखोगे कि फिर से आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी इस नीडल में और ये नीडल अब किसी और डायरेक्शन में रेस्ट करेगी ठीक है सो दिस स कि इस मैग्नेट के अराउंड कुछ ऐसा एरिया है जहां पर इसकी प्रॉपर्टीज फील होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड वो जो एरिया है जहां पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फील हो रही हैं दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें कंपस में डिफ कंपस की नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है इज दैट क्लियर ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो मैगनेट तो देखो इस वर्ड में ना एक वर्ड में दो वर्ड है एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेट ठीक है तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को एक साथ मिला के जोड़ के समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इनकी डिस्कवरी को देखते हैं सो इलेक्ट्रो मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड बाई अ डैनिश फिजिस्ट जिनका नाम था हेंस क्रिस्टीन आस्टर्ड इन 19. तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो भी एक करंट कैरिंग वायर होती है ना जिसे करंट फ्लो कर रहा होता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड दिस डिस्कवरी प्रूव्ड इज वन ऑफ द आई कैन से द मोस्ट फ्रूटफुल डिस्कवरीज इन द फिजिकल साइंसेस। क्योंकि इस डिस्कवरी के बेसिस पर आज हम वाइडली इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं आपके घर की जो डोर बेल होती है आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं या फिर आपके घरों में जो फैंस आप यूज़ कर रहे हो या फिर जो मोटर्स हैं रनिंग मोटर्स हैं एसीज़ हैं मिक्सर्स हैं हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है राइट सो दिस डिस्कवरी वॉज द मोस्ट फ्रूटफुल डिस्कवरीज इन द द हिस्ट्री ऑफ ऑफ फिजिकल राइट तो तो अब हम आ गए हैं प्रिंसिपल पे डिस्कवरीट् तो मतलब ऐसे मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने हैं राइट right? तो हमने क्या किया था यहां पर हम क्या करेंगे एक सॉफ्ट कोर लेंगे सिलेंड्रिकल कोर ठीक है तो मोस्टली जो हम कोर यूज करते हैं या तो वो सॉफ्ट आयरन कोर होता है या तो वो स्टील का कोर होता है और इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर मान लो ठीक है क्योंकि मेरे पास अभी आयरन कोर था नहीं तो जब इस कोर के अराउंड हम एक इंसुलेटेड वायर को ऐसे कॉयल करेंगे राइट right? तो और फिर इसको कनेक्ट कर देंगे हम एक बैटरी से ठीक है तो मान लो बीच में कोई बैटरी है तो बीच में हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया अब क्या होगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस कॉयल में करंट फ्लो करना शुरू करेगा जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो आ, हमारा सेटअप है ना दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट नाउ सिंस ये बिहेव कर रहा है मैग्नेट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेट राइट तो इस सिलेंड्रिकल कॉयल को सो एज यू कैन सी सो दिस इज द सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड तो जब भी हम ना एक्टिविटी करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम पर हम ये बीच में कार्डबोर्ड लेते हैं ठीक है तो उसके अराउंड अब हमने क्या किया है अब हमने ये देखो ये वायर कॉल कर दी अब यहाँ से आई पीछे गई फिर यहाँ से निकली फिर से आई फिर पीछे को गई तो इस तरह हमने पूरी कॉइलिंग की है वायर की और वायर भी हम इंसुलेटेड लेंगे तो इंसुलेटेड मतलब एक तरह से जो वायर है ना वो कवर्ड है किसी चीज से राइट तो अगर वायर कवर्ड नहीं होगी तो मतलब अगर इफ यू सी दिस ठीक है अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो ये इतना पास पास है जब करंट फ्लो करेगा इस वायर से तो ये आपस में ऐसे आकर स्टिक हो जाएंगी तो इनको एक दूसरे से ऐसे स्टिक होने से प्रिवेंट करने के लिए ही हम हमेशा इंसुलेटेड वायर का यूज करते हैं राइट तो इतना समझ आया अब हमने क्या किया है एक ड्राई सेल लिया है सो so दिस ये जो उभरा हुआ तरफ होता है ना मतलब जहां पर ये छोटा सा ओ, ऊपर को होता है सो दैट दैट साइड इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर साइड इज द नेगेटिव टर्मिनल सो दिस इज प्रिंसिपल कि हमें कुछ ऐसा सेटअप चाहिए और इसको हम क्या बुलाते हैं इसको हम बुलाते हैं सिलेंड्रिकल कॉयल क्या बुलाते हैं सिलेंड्रिकल कॉइल और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना आपको पता चलेगा इसका एक और नाम है विच इज सोलिनॉयड तो इस क्लास में ना सोलिनॉयड आप बहुत रेयरली यूज कर रहे हो आप यूजुअली सिलेंड्रिकल कॉयल ही वर्ड सुनोगे बट रिमेंबर दिस इज अ सोलिनॉइड ठीक है सो व्हेन द एंड्स ऑफ अ कॉयल आर जॉइंट टू अ ड्राई सेल एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट द सिलेंड्रिकल कॉयल कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट सो दिस मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक है अब आप यहां पर ना दो चीजें देख रहे हो कि यहाँ नॉर्थ लिखा है यहाँ साउथ लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मैग्नेट्स की तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं ना तो अगर मैग्नेट बना है तो पोल्स भी होंगे नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा करेक्ट तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है सोचो सोचो तो उसके लिए ना एक क्लॉक रूल होता है ठीक है तो ये जो क्लॉक रूल है ना दिस रूल इज बेसिकली कि कैसे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर साइड कि ये और ये साइड कौन से पोल्स हैं ठीक है तो बहुत सारे बच्चे ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम पोलैरिटी तो समझ आती ही नहीं है सो वी कॉल दिस द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट राइट तो कौन सा पोल है सो दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट तो अब कौन सा पोल है राइट right? वो हमें कैसे पता चलेगा तो आप मान लो इसको एक आयरन बार मान लो अब ये जो ना नॉट टाइड है याद रखना कि ये जो नॉट टाइड है इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के ठीक है तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया ये मेरी वायर है इंसुलेटेड वायर मैं इसको ऐसे कॉयल करना शुरू करती हूँ तो मैंने इसको कॉयल कर दिया ठीक है कर दिया अब ये जो नॉट वाला एंड टर्मिनल से connected है। तो वी नो तो ये मेरी एक बैटरी है तो अगर ये एक battery है, ठीक है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव होगा तो करंट जब कॉयल में पास करेगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा राइट right? सिंपल अब कौन सा साइड कौन सा पोल होगा तो देखो अगर आप ऐसे पकड़ के देखोगे ना कि मैम ये नॉर्थ ये साउथ तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और होंगे आपको क्या करना है पोलैरिटी को जानने के लिए इसको ना ऐसे पकड़ना है मतलब कोई भी इसको इस मतलब अगर ये पोल पता करना है तो इसको पकड़ लो ये करना है तो इसको पक पकड़ लो ठीक है हमेशा ये याद रखना कि अगर एक नॉर्थ निकला है तो दूसरा साउथ ही होगा ठीक है तो आपको एक ही पोल को जानना है सबसे पहले तो अब ये देखो ये मैंने पकड़ लिया अपनी तरफ को सो दिस दिस कंप्लीट सिलेंड्रिकल कॉइल इज नाउ फेसिंग टूवर्ड्स माय साइड ये वाला जो पोर्शन है ये मेरी तरफ फेस कर रहा है तो अब अगर मैं इसको देखू ना तो ये जो यहां से करंट आया ठीक है और वो यहां को गया तो कैसे गया ऐसे को करंट आया और ऐसे को गया तो अगर आप क्लॉक की डायरेक्शन देखो तो क्लॉक ऐसे को घूमती है ऐसे को ठीक है सो क्लॉक ऑल ये हमारी क्लॉक है ठीक है दिस इज ट्वेल्व दिस इज सिक्स तो क्लॉक हमेशा ऐसे को घूमती है लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यहां से करंट आ रहा है और वो ऐसे को जा रहा है तो बेसिकली ये ऐसे को क्लॉक में ऐसे को मूव कर रहा है ठीक है सो so, अगर आप यहां पर देखो तो ये कुछ ऐसे को मूव कर रहा है ठीक है तो एन बनाओ और एन की डायरेक्शन यहां पर आप इसको एरोज लगा दो तो ये भी कैसे मूव कर रहा है ऐसे को राइट तो इसका मतलब वो साइड ऑफ द मैग्नेट जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कौन सी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सो दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगू तो इसका मतलब कि ये वाला पोल नॉर्थ निकल गया और ये वाला साउथ है अब मान लो साउथ है हमें पता है लेकिन हम फिर भी इसको देखेंगे अब यहाँ पर देखो तो अगर ये जो हमारी इंसुलेटेड वायर है ये कैसे आई ये ऐसे आई फिर ऐसे गई और अब वापस निकलकर ऐसे आ रही है और मतलब करंट इस साइड को अगर मैं अपने तरफ फेस करूं तो करंट ऐसे को फ्लो कर रहा है मतलब नीचे से आया ठीक है यहां से आया और ऐसे को गया राइट right? तो बेसिकली ऐसे को दिस इज द डायरेक्शन सो इफ यू लुक एट द क्लॉक इट इज गोइंग इन द विच डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो दिस इज द क्लॉक वाइज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो दैट साइड जहां पर क्लॉकवाइज फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का सो दैट इज कॉल्ड एज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट क्लियर सिंपल है सो द एंड ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेट विद द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉक वाइज दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द एंड ऑफ द इलेक्ट्रो मैगनेट वेद द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉक वाइज इज सेट टू बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट क्लियर अब ये ना एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप घर पर भी कर सकते हो कैसे तो हमें एक सपोर्ट लेनी है और उसे एक सिल्क थ्रेड लगाना है ठीक है उस सिल्क थ्रेड से हम इस पूरे सिलेंड्रिकल कॉयल को अटैच कर देंगे ठीक है तो सिलेंड्रिकल कॉयल कैसा होगा तो बेसिकली यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लिया है और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर ली है तो अगर आप रिकॉल करो तो हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था कि जब भी हमें टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने होते हैं तो जो अंदर का कोर है सो so ये जो अंदर है ना ये वाला जो है जो सिलेंडर है सो दिस सिलेंडर इज कॉल्ड एज अ कोर तो ये कोर अगर आपको टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो ये कोर आपको सॉफ्ट आयरन का लेना पड़ेगा और अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो यही कोर आपको स्टील का लेना पड़ेगा सिंपल समझ आ गई बात तो अब हमें क्या करना है अब हमें सेम वही करना है कि इस पू इस सोलिनॉइड को या फिर सिलेंड्रिकल कॉयल को हम अटैच करेंगे किसके साथ विद अ ड्राई सेल एंड अ स्विच तो यहाँ स्विच का होना ज़रूरी है घर पर जब आप कर रहे हो तो अब क्या किया हमने इसको कॉयल कर दिया तो एक साइड ऑफ दिस कॉयल इज गेट विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल और दूसरी पॉजिटिव टर्मिनल को और बीच में हमने स्विच लगा दिया ठीक है तो मान लो कि दो टेलीफोन हैं ठीक है जो पुराने वाले टेलीफोन होते थे तार वाले होते थे तो अगर वो टेलीफोन दो टेलीफोन जो हैं अगर वो वायर से कनेक्टेड होते थे तभी हमें दूसरी तरफ से टेलीफोन में आवाज आती थी ठीक है लेकिन आस सुन एज आप उस टेलीफोन की वायर निकाल देते थे तो हमें उस रिसीवर में करंट आना ही बंद हो जाता था हमें आवाज ही नहीं आती थी क्यों क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता था तो यहाँ पर स्विच का काम भी यही है सर्किट को कंप्लीट करना जब हम ये बोलते हैं कि स्विच इज ओपन तो मतलब स्विच खुला है तो स्विच कैसा है स्विच ऐसा है तो इस केस में ये देखो देयर इज नो कनेक्शन राइट तो इसका मतलब यहां पर स्विच ऑफ है इफ आई से स्विच इज क्लोज राइट तो इसका मतलब स्विच कैसा है ऑन है तो इस कंडीशन में ये जो स्विच है ये ऐसा होगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा राइट तो एज सुन एज द व्हेन वेन द स्विच इज ओपन तो उस केस में यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा राइट जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे मतलब स्विच ऑन होगा तो यहां पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा एंड इट विल मूव इन दिस सिलेंड्रिकल कॉयल ठीक है बात समझ आ गई तो यहां पर कॉयल में जब ये मूव करना शुरू करेगा तो नाउ सिंस देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ दिस सॉलिन दिस दिस सिलेंड्रिकल कॉल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट ठीक है और कौन सा मैग्नेट होगा ये तो आपको पता है फिर से कह रहे हैं एक बार तो अब मान लो कि मैं इस ये जो नॉट वाली साइड है इसको यहां पर लगाती हूं इस तरफ सो नाउ दिस साइड इज कनेक्ट दिस इज द साइड जहां से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्टेड है सो नाउ आई विल डू लाइक दिस ठीक है तो अब आप देखोगे कि इफ आई होल्ड इट दिस फेस टूवर्ड्स माई साइड तो यहां पर यहां से करंट आ रहा है और वो ऐसे को जा रहा है मतलब करंट आ रहा है और वो ऐसे को जा रहा है ठीक है सो विच मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज सो वो साइड जहां पर जिस एंड में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है वो होता है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट और अगर मैं इस तरफ आऊँ सो इफ आई सी द फ्लो ऑफ द करंट तो करंट ऐसे को आ रहा है राइट right? तो मतलब इन दिस डायरेक्शन सो दिस मीन्स की दिस मीन्स दैट देयर इज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो सो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो मतलब द पोल ऑफ द मैग्नेट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल राइट right? तो बात समझ आ गई सिंपल था तो यहाँ पर जो मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई दिखाई है हो सकता है मैं आपको क्लॉकवाइज दिखा रही हूं और आपको एंटी क्लॉकवाइज समझ आ रहा हो क्योंकि मेरे हैंड की मूवमेंट्स जो हैं वो आपको एक मिरर इमेज की तरह आ रही हैं राइट right? तो जब भी आप ये ये डिटर्मिन करने की कोशिश करो कि पोलैरिटी क्या है सो ऑलवेज रिमेंबर यू होल्ड द सिलेंड्रिकल कॉयल इन योर हैंड यू प्रिटेंड टू होल्ड अ सिलेंड्रिकल कॉयल इन योर हैंड एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की एंड इफ इट इज एंटी क्लॉक वाइज दैट इज द नॉर्थ पोल एंड इफ इट इज़ क्लॉक वाइज देन इट इज साउथ पोल राइट तो समझ आ गया क्लियर है कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन तो पोलैरिटी में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन कम टू द लर्न हब स्वयं क्लास और वहां पर ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना ये हम साथ में बैठ के करेंगे ठीक है, ओके, okay. तो अब शुरू करते हैं ऑफ ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम बना रहे थे तो उसमें ना हम ये जो कोर है इसको कार्डबोर्ड बॉक्स ले रहे थे तो अगर हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे राइट गुड क्वेश्चन तो देखो सबसे पहले है कि ये जो कोर हमने लिया था ठीक है सो बाय इंसर्टिंग रॉड ऑफ सॉफ्ट आयरन और स्टील इनसाइड द सिलेंड्रिकल कोर तो ये जो कोर है ना ठीक है सिलेंड्रिकल ट्यूब तो ये जो कोर हम ले रहे थे इसके अंदर या तो हम आयरन सॉफ्ट आयरन डाल देंगे या तो इसके अंदर हम स्टील डाल देंगे पहली चीज ठीक है दूसरी चीज द टोटल नंबर ऑफ अब जब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड को कर इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे तो सिंपल है तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे ठीक है तो जब ये नंबर ऑफ टर्नस इंक्रीज होंगे तो इस इनके इंक्रीज होने से ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी राइट ओके नाउ द नेक्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉयल अब जहाँ पर हम एक ड्राई सेल का यूज कर रहे थे इसकी जगह हम एक बड़ी बैटरी या फिर दो या तीन ड्राई सेल का यूज करेंगे तो उससे भी इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा ठीक है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उस स्ट्रेंथ के ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी राइट सो आई होप ये आपको समझ आया है किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक अ क्लास ऑन लर्न हब स्वयम ओके सो आई सी यू next. सो so now कमिंग ऑन टू मेकिंग एन electromagnet. So सो इट इज वेरी इजी टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बट are आर अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस well, वेल राइट तो अभी आप छोटे हो तो अकेले मत ट्राई करना घर में किसी बड़े की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो तो सबसे पहले है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है ठीक है वो सिर्फ तब तक मैग्नेट बिहेव करेगा जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी सो दैट इज वाई इट इज जस्ट अ टेम्परेरी मैग्नेट तो इलेक्ट्रो हम दो शेप्स में बना सकते हैं एक है बार शेप जिसे हम आई शेप भी बुलाते हैं तो ये वाला शेप ठीक है तो इसको ऐसे देखें तो ये आई की तरह है ना और ऐसे देखें तो ये एक्चुअली एक बार है सो दिस इज अ बार शेप और आई शेप और दूसरा होता है हॉर्स शू या फिर यू शेप तो ये मेरे पास मैग्नेट था लेकिन जो किसी वजह से टूट गया ठीक है तो so, ये मेरे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट था बट अब ये टूट गया है सो दीज आर द टू शेप्स ऑफ मैग्नेट्स दैट वी कैन मेक Uh, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू मेक आई और अ बार शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हम क्या करेंगे एक ऐसा ही बार लेंगे और मतलब किसका बार मैग्नेट नहीं लेंगे बट एक सॉफ्ट आयरन बार लेंगे और उसके अराउंड हम एक कॉयल लगा देंगे ठीक है और नीचे हम एक बैटरी या फिर एक सेल से कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ एक स्विच या फिर एक की जिसे हम के बुलाएंगे राइट अब होगा क्या कि अगर अब आप यहां पर देखो ना अब जैसे ही आप इस के की को ओपन कंडीशन में रखते हो ओपन कंडीशन मतलब ऑफ है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ठीक है वहीं पर जब इसमें इसको हम क्लोज कंडीशन में रखते हैं मतलब ये ऑन है तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो इस केस में क्या होगा इस केस में करंट फ्लो करना जब शुरू करेगा तो ये मैग्नेट ये इलेक्ट्रो एक ये जो सॉफ्ट आयरन बार है या ये जो हमारा पूरा सोलिनॉयड है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा जैसे ही ये करंट फ्लो करना बंद करेगा वैसे ही इस सोलिनॉइड uh, की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगी सो दिस इज हाउ वी कैन मेक अ टेम्परेरी आई शेप्ड और अ बार मैग्नेट दूसरा है हॉर्स शू और यू शेप्ड तो इसमें ना थोड़ा सा कॉयलिंग का ध्यान रखना है कैसे तो हमने ये यू शेप्ड एक आयरन का पीस लिया अब हम इसमें क्या करेंगे ना वैसे ही बैटरी और की तो हमें कनेक्ट करना ही करना है और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बैटरी के साथ सबसे पहले यहाँ पर एक कॉयल कनेक्ट करेंगे और इस कॉयल को ना हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ कॉयल करना शुरू कर देंगे ठीक है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ कॉयलिंग शुरू करेंगे और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको स्ट्रेट अवे सामने वाले आम पे ले जाएंगे और अब यहाँ पर जो कॉयलिंग है ना वो ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी ठीक है तो वो वो साइड जहां पर करंट क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है वो कौन सी होती है दैट इज द साउथ पोल और वो साइड जहाँ पर ये करंट क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है नो uh, no, जहां पर एंटी सॉरी जहां पर क्लॉकवाइज फ्लो करता है वो साउथ पोल होता है और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होता है वो कौन सा होता है नॉर्थ पोल तो ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज ठीक है सो दिस इज हाउ अब क्या करेंगे अब हम वैसे ही की को क्लोस्ड पोजिशन में रखेंगे यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा और जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करा करेगा वैसे ही इस आयरन बार में एक यू शेप्ड आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी अब जैसे ही हम इस आ, की को ओपन करेंगे या फिर इसको स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो करना बंद करेगा और हमारा मैग्नेट जो है जो हमारा मैग्नेट बन चुका था अब वो वापस से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा सो दीज आर द टू वेज हाउ वी कैन मेक अ बार मैग्नेट एंड अ यू मैग्नेट एट होम यू इलेक्ट्रो मैग्नेट्स एट होम ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये मैग्नेट्स बन रहे हैं Is that clear? अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ना वायर लेते हो और वायर को ऐसे कॉयल करने के लिए लगाते हो ना वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि ये जो करंट कैरिंग वायरस है ये किसकी तरह एक्ट करती है एक मैग्नेट की तरह तो जो घरों में वायर पड़ी अगर आप सिंपली वो वायर लेके उसकी कॉयलिंग शुरू कर दोगे ना तो उससे क्या होगा कि जो वायर्स है ना क्योंकि उनमें उनकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो एक दूसरे से ऐसे चिपकना शुरू हो जाएंगी तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जब भी कॉपर वायर का यूज़ करें ये जो हम दोनों के केस में हमने वायर्स यूज़ की हैं ये कौन सी वायर्स हैं ये हैं कॉपर वायर्स जब हम ये कॉपर वायर यूज़ करें तो हमेशा ही ये इंसुलेटेड होनी चाहिए ठीक है ये किसी चीज़ से ना कवर होनी चाहिए जैसे आपने देखा होगा कि जो वायर्स आती हैं वो प्लास्टिक से कवर्ड होती हैं ठीक है दे आर द इंसुलेटेड वायर्स जब हम घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मान लो आपके पास एक वायर है लेकिन वो वायर जो है ना वो कवर्ड नहीं है तो आप उसको थ्रेड से कवर करके भी आप उसको इंसुलेट कर सकते हो राइट सो आई होप दिस मैच इज क्लियर कोई भी डाउट हो तो पता है ना कहाँ आना है या तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्न हॉफ क्लास की लर्न ऑफ स्वयं की क्लास को बुक करना है ओके नाउ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं तो अगर हमें आयरन को लोड करना है किसी फॉर्नेंस में तो आयरन को उठा उठा के लोड करेंगे तो थक नहीं जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा तो उस केस में भी हम लोडिंग फॉरनेसिस में आयरन का यूज़ करते हैं ठीक है तो बेसिकली जब हमें फर्नेसिस को लोड करना है तो हम आयरन का यूज करते हैं दूसरा फॉर रिमूविंग आयरन डस्ट फ्रॉम वोन्स देन सेपरेटिंग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटैसेज जैसे मैंने वो आपको एक गार्बेज हीप का एग्जाम्पल दिया था कि हमें सिर्फ आयरन आर्टिकल्स चाहिए बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए तो उसमें भी हम इलेक्ट्रो का यूज करते हैं देन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग बिग पीसीज ऑफ आयरन स्क्रेप्स ग्लाइडर्स प्लेट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो बड़े बड़ी आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी Magnets का का यूज़ यूज़ होता होता है। है। जैसे कि घर की घंटी, हर कहीं का होता है। तो कई कही बार आप देखना अगर आपके घर में ना कोई पुराना स्पीकर होना अगर उस स्पीकर को अगर आप तोड़ो ना तो उसके बीच से मैग्नेट निकलता है मेरे पास है लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो दे ऑल्सो देम ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हम कोई ना कोई एप्लीकेशन तो हमें पढ़नी थी और अच्छे से समझनी थी तो हमने जो एप्लीकेशन ली है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक बेल क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल ऐसी ऐसी एक चीज है जो हम दिन में अगर किस किस कोई अपने घर की घंटी बजाए ना बजाए या किसी और के घर की घंटी बजाए ना बजाए लेकिन सुनते जरूर है कोई घर में आया है राइट तो बेल तो इलेक्ट्रिक सभी सुनते हैं तो ये सबसे कॉमन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स है ना वो कैसे काम करती हैं तो देखो इलेक्ट्रिक बेल जो है ना वो एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैसे है सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एक बेल है ना जो हमारे घरों में जो बेल लगी होती है वो किन किन चीजों की बनी होती है तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये हॉर्स शू मैग्नेट तो हमने देखा था ना अभी जब हम टेम्परेरी मैग्नेट्स बना रहे थे तो जब हम एक वो इंसुलेटेड कॉपर वायर को कनेक्ट कर रहे थे तो पहले तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी कॉयलिंग फिर जब दूसरी आम पर आए तो वही क्लॉक डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई रिमेंबर तो यहां पर भी ये जो कॉयलिंग है ये बिल्कुल वैसे की गई है दूसरा सॉफ्ट एमेचर है ठीक है तो हॉर्स शू इलेक्ट्रो है ये आर्मेचर है ये वाला पोर्शन ठीक है ये कनेक्टेड है एक मेटेलिक स्प्रिंगी आ, स्ट्रिप से और इस एमेचर के एंड पर क्या है एक हैमर है ठीक है और यहां पर है एक गोंग राइट अब ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है ये कनेक्टेड है एक एडजस्टिंग स्क्रू से और नीचे आकर हमारे पास एक बेल है और एक बैटरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज है भाई तो बैटरी की जरूरत तो है राइट तो होता क्या है कि इसे ये बनाई कैसे जाती है तो अगर आप देखोगे ना सो दिस इज आर्मेचर ठीक है ये वाला पोर्शन अब ये कनेक्टेड होता है इसके एंड एक एंड पे होता है हैमर और ये नीचे वाला जो एंड है ये कनेक्टेड होता है विद अ मेटेलिक स्प्रिंगी स्ट्रिप ठीक है तो ये जो है ना इसमें थोड़ा सा एक स्प्रिंग spring वाला स्प्रिंग्स होते हैं राइट अब ये कनेक्टेड होता है यहाँ पर एक एडजस्टिंग स्क्रू से राइट right? तो अगर हम देखें जब हमारी बेल का जो बटन है ना जब तक वो किसी ने प्रेस नहीं किया है तब तक ये मटेलिक स्ट्रिप और ये एडजस्टिंग स्क्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं कुछ ऐसे राइट right? अब इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर होता है एक हॉर्शू मैग्नेट विच इज कॉइल्ड विद अ इंसुलेटेड वायर राइट right? तो इसका एक एंड तो कनेक्टेड होता है T2 टर्मिनल से और दूसरा एंड जो है वो इस मेटेलिक स्ट्रिप और एडजस्टिंग स्क्रू की हेल्प से T1 टर्मिनल से कनेक्ट करता है सो so, नीचे क्या है बैटरी है सो ये बैटरी का T2 टर्मिनल है एंड दिस इज द T1 टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो ये इस मेटेलिक स्ट्रिप फिर एडजस्टिंग uh, स्क्रू और बेल की हेल्प से टी टर्मिनल से कनेक्टेड है दूसरा पार्ट ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर राइट right? बीच में क्या है स्विच है अब होता क्या है कि जब बेल किसी ने रिंग नहीं की है तो ये जो सेटअप है ना ये एग्जैक्टली exactly ऐसा होता है तो एडजस्टिंग स्क्रू जो है वो मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्टेड है जो हैमर है वो इस पोजीशन में है नाउ एज सुन एज द बेल इज प्रेस बेल का जो बटन है ना जैसे ही वो बटन प्रेस होता है वैसे ही यहां पर सर्किट कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू किया इस वायर में अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू किया है सो नाउ दिस हॉर्स हॉर्स शू शेप्ड आयरन बार विल नाउ बिहेव लाइक अ मैग्नेट नाउ क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये इस एमेचर को अपनी तरफ खींचेगा ठीक है तो मतलब ये वाला जो पूरा सेटअप है ये इस हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहां पर जब ये इधर से जब ये इधर से इधर अट्रैक्ट होगा तो ऊपर से ये जो गोंग हैमर है ना ये इस गोंग को स्ट्राइक करेगा तो जैसे ही गोंग स्ट्राइक होगी वैसे ही हमें क्या सुनाई देगी बेल सुनाई देगी ठीक है अब क्या होगा स्विच प्रेस किया और स्विच को हमने रिलीज कर दिया तो वापस से ये पूरा सेटअप जो है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो हॉश शेप्ड आयरन कोर था ना नाउ इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड दिस स्प्रिंग स्ट्रिप विल मूव अगेन मूव टुवर्ड्स द एडजस्टिंग स्क्रू ठीक है तो ये वापस इसी शेप में आ जाएगा कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने बेल बजाई वो टिंग टोंग खत्म लेकिन कई बार होता है शरारती बच्चे घर के बाहर आते हैं और वो आपकी बेल को ऐसे लंबा एक स्विच की तरह ना वो प्रेस करके रखते हैं तो वो आपको एक लंबी सी बेल सुनाई देती है वो क्यों होता है क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट रहता है यहाँ पर ये जो हैमर है ये इस गोंग को प्रेस करता है और हमें एक लंबी सी आवाज सुनाई देती है जब तक ये सर्किट ब्रेक नहीं होता है ठीक है सो आई होप द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज क्लियर ठीक है तो ये जो पूरा खेल है ना वो सिर्फ यहां का है जब जब यहां पर सर्किट कंप्लीट होगा जब स्विच ऑन होगा तो उस केस में यहां पर ये जो सेटअप है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि दिस आयरन बार विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट ठीक है आयरन यू शेप्ड आयरन विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट तो ये स्ट्रिप जो है दिस विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट एंड इट विल लूज इट्स कनेक्शन विद द एडजस्टिंग स्क्रू तो जब ये इस तरफ को मूव होगा तो यहां पर हैमर इस गोंग से स्ट्राइक कर जाएगा जिसकी वजह से आपको बेल सुनाई देगी नाउ क्योंकि बेल में ऐसे हम एक स्विच एक बार प्रेस करते हैं देन वी रिलीज इट तो जैसे ही ये स्विच रिलीज होता है ये सर्किट फिर से ब्रेक हो जाता है और मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो एडजस्टिंग स्क्रू के कांटेक्ट में फिर से आ जाती है और क्योंकि सर्किट ब्रेक हुआ है तो अब हैमर जो है इस गोंग को स्ट्राइक नहीं करता है राइट सो आई होप दिस इज क्लियर कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नर हब डॉट कॉम So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts. Koi bhi doubt ho, please ask it on Ask Question section, or you can post your doubts. You can come with your doubts to the LearnoHub Swayam class. So I'll see you next time with the last video of ICSA Physics, where we will complete the chapter Electromagnets, right? So see you all next time. Till then, you take care. And as you all know, LearnoHub matlab free hai par best hai.